हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज के प्री क्योर में हम आपके ज्योग्राफी से रिलेटेड एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। तो पहले क्वेश्चन में आपसे देमचौक सेक्टर की लोकेशन के बारे में पूछ रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका सिक्किम, सेकंड है आपका J&K, थर्ड है आपका अरुणाचल प्रदेश एंड लास्ट है आपका हिमाचल प्रदेश। तो रिसेंटली ही न्यूज में काफी आया है देमचौक सेक्टर। अगर आप अपने करंट अफेयर्स रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप वीडियो पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कीजिए। अगर करेक्ट आंसर है इसमें जम्मू एंड कश्मीर। तो जो आपका देमचौक सेक्टर है आपका J&K में ही आता है अलॉन्ग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एंड इट इज वन ऑफ द 23 डिस्प्यूटेड एंड सेंसिटिव एरियाज। तो आप जरूर पढ़िए कि बाकी के जो आपके 22 एरियाज हैं वो कौन कौन से हैं, आपको पता होने चाहिए उनके नाम। तो बेसिकली ये जो आपका सेक्टर है इसने काफी आपके क्लैशेस विटनेस किए हैं बिटवीन PLA एंड इंडियन आर्मी सोल्जर्स। लास्ट ईयर ही देमचौक सेक्टर में जो आपके PLA ट्रूप्स हैं, पीपल लिबरेशन आर्मी की जो सोल्जर्स हैं, उन्होंने इंट्रूड किया था इस सेक्टर में अराउंड 300 टू 400 मीटर्स और अपने 5 टेंट्स पिच कर दिए थे वहां पे। तो लेटर ऑन विद द ब्रिगेडियर लेवल टॉक्स उनमें से उन्होंने 3 टेंट्स रिमूव कर दिए थे। तो ये जो आपका इंडो चाइना का जो मैटर है बॉर्डर रिलेटेड, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है प्री पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको किसी भी डायमेंशन में इससे क्वेश्चन बन सकता है, आपको इकोनॉमी से भी बन सकता है, आपको ज्योग्राफी से भी बन सकता है, आपको पॉलिटी से भी बन सकता है, इसमें आपको साइंस एंड टेक से भी बन सकता है। इसमें जो भी ये डिस्प्यूट चल रहा है इंडो चाइना बॉर्डर का, इसका आपको हर एक एस्पेक्ट कवर करना है, कोई भी एस्पेक्ट नहीं छोड़ना है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपको पूछा कौन कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं विद रिस्पेक्ट टू पेंगोंग लेक। तो काफी फेमस लेक है, आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पहले में कह रहा है कि आपकी एक लॉन्ग नैरो लिटरल लेक है जो कि सिचुएटेड है एट अ हाइट ऑफ मोर देन 14,000 फीट इन लद्दाख हिमालयस, ठीक है जी। दूसरे में कह रहा है इसका सलाइन वाटर है। थर्ड में कह रहा है कि एक इनर लाइन परमिट की जरूरत पड़ती है अगर इस वेक को विजिट करना हो बिकॉज इट लाइज ऑन द साइनो इंडियन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। फोर्थ कह रहा है कि ये कंट्रोल की जाती है दोनों भारत और चाइना द्वारा। तो आपको करेक्ट कोड सेलेक्ट करना है। आप बहुत इजिली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो पॉज कीजिए और अटेम्प्ट दीजिए जिसमें आपकी करेक्ट स्टेटमेंट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ है, ठीक है जी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो ये बात कर रहा है क्यों ये इनकरेक्ट है, ये आपकी लिटरल लेक नहीं है, ये आपकी लैंडलॉक्ड लेक है, ठीक है जी। लिटरल लेक बेसिकली आपकी कौन सी होती है, जो आपके कोस्टल एरियाज में होती है, ठीक है जी। थोड़े से फैक्ट्स देख लेते हैं पेंगोंग लेक के बारे में कि ये आपकी कंप्लीटली फ्रीज हो जाती है विंटर्स में डिस्पाइट बींग सेलिन वाटर। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट कि आपका इंडस रिवर बेसिन का ये पार्ट नहीं है। अगर आपको स्टेटमेंट में आई कि ये आपका इंडस रिवर बेसिन का पार्ट है तो वो आपकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। और जिसकी जरूरी बात की जो 1/3 है इस वाटर बॉडी का वो आता है आपका इंडियन कंट्रोल में अराउंड 45 किलोमीटर और 90 किलोमीटर अराउंड जो आपका 2/3 हुआ वो आपका चाइनीज कंट्रोल में आता है, ठीक है जी। 1990s में क्या हुआ था कि इंडियन साइड ने अपना क्लेम्स रखे थे इस एरिया के ऊपर, बट चाइनीज आर्मी ने मेटल टॉप रोड बना दिया था ये कहते हुए कि ये आपका अक्साई चिन का पार्ट है। और जब ये विंटर में फ्रीज हो जाती है तो काफी आइडियल लोकेशन बन जाती है आइस स्केटिंग और पोलो के लिए। और ये तो जरूरी है ही कि इनर लाइन परमिट की जरूरत पड़ती है टू विजिट द लेक, क्योंकि ये आपकी साइनो इंडियन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर लाई करती है। तो थोड़े बहुत फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए पेंगोंग लेक के बारे में। और ये लेक तो इतनी फेमस है, ये हमने 3 इडियट्स में से देखा ही है। अभी थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें पूछ रहे हैं रिसेंटली ही आपने न्यूज में सुना होगा पेलागोनी थाइट्स के बारे में, तो आपको बताना है वो किस चीज से रिलेटेड है। पहला कह रहा है कि आपकी एक्सटिंक्ट स्पीसीज ऑफ द स्मॉलेस्ट एवर डायनासोर। दूसरे में कह रहा है कि एक नई प्रोसेस है ऑफ कोल गैसिफिकेशन। थर्ड में कह रहा है कि एक फॉसिल है जाइंट बर्ड का। और लास्ट कह रहा है कि एक स्पीशीज है ब्लू कैटरपिलर की जो कि वेस्टर्न घाट्स में पाई जाती है। तो आप वीडियो पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कीजिए। इसमें करेक्ट स्टेटमेंट है कि एक फॉसिल है जाइंट बर्ड का। साइंटिस्ट ने ये फॉसिल आइडेंटिफाई किया है जाइंट बर्ड का, जो कि माना जा रहा है कि वो 50 मिलियन ईयर्स अगो पहले रहा है और इसका विंग स्पैन अराउंड 21 फीट है। तो अगर आप 21 फीट का विंग स्पैन देखेंगे तो वो जो अभी आज का लार्जेस्ट बर्ड है वॉन्डरिंग एल्बेट्रॉस, उसको वो ड्वार्फ कैटेगरी में प्लेस कर देगा, ठीक है जी। तो ये जो आप फॉसिल्स रिकवर किए गए हैं आपके अंटार्कटिका से रिकवर किए गए हैं 1980s, दीज फॉसिल रिप्रेजेंट द ओल्डेस्ट जाइंट मेंबर्स ऑफ एन एक्सटिंक्ट ग्रुप ऑफ बर्ड्स जो कि पेट्रोल करते थे सदर्न ओशियंस को। और अगर हम आज के लार्जेस्ट बर्ड के बारे में बात करें जो वॉन्डरिंग एल्बेट्रॉस है, तो उसका विंग स्पैन हार्डली ही 11.5 फुट है इन कंपैरिजन टू 21 फीट ऑफ द जाइंट बर्ड हुज फॉसिल वाज आइडेंटिफाइड इन अंटार्कटिका। ये आपकी थोड़ी बहुत डिटेल्स थी पेलागोनीथाइट्स के बारे में। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ बात कर रहा है कौन कौन सी स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू फेनी ब्रिज। पहली स्टेटमेंट में बात कर रहा है कि आपकी ओरिजिनेट करती है इन द साउथ असम डिस्ट्रिक्ट। सेकंड में कह रहा है जो आपका फेनी ब्रिज है उसे हम मैत्री सेतु भी कहते हैं इन चट्टोग्राम।
थर्ड में कह रहा है ये आपकी बीआरओ द्वारा बनाया जा रहा है, फोर्थ में कह रहा है कि ये सबसे पहले मसला उठाया गया था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन 1958। तो आप वीडियो पॉज कीजिए, उस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कीजिए। तो इसमें आपकी करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं सेकंड एंड फोर्थ। बेसिकली आपकी ओरिजिनेट करती है साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट से, ना कि साउथ असम डिस्ट्रिक्ट से। और जो आपकी फैनी रिवर है वो फॉर्म करती है एज अ पार्ट ऑफ इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर, उसी के ऊपर ही आपका फैनी ब्रिज बनाया जा रहा है। भारत सरकार के आधार पर अभी तक कोई भी वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट नहीं बनाया गया है दोनों कंट्रीज के बीच में रिगार्डिंग फैनी, ठीक है जी। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है प्री पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आपको पूछा जा सके कि कोई एग्रीमेंट बना है या नहीं बना है, तो ये डिस्प्यूट आपका काफी हम कह सकते हैं लॉन्ग स्टैंडिंग है। पहले ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सेक्रेटरी लेवल मीटिंग हुई थी जब बांग्लादेश इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था, ठीक है जी, इन 1958। उसमें इसके बारे में बात की गई थी, और जहां तक वो जो स्टेटमेंट थी आपकी जिसमें कहा गया था कि आपका बीआरओ द्वारा बनाया गया है, स्टेटमेंट आपकी गलत है। ये आपका नेशनल हाईवेज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा बनाया जा रहा है, जो कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवेज के अंडर आता है। इस ब्रिज की सिग्निफिकेंस के बारे में बात किया जाए तो ये प्रमोट करेगा आपका ट्रेड एंड कॉमर्स बिटवीन इंडियाज नॉर्थ ईस्ट एंड बांग्लादेश। टूरिज्म को भी इससे बढ़ावा मिलेगा, पीपल टू पीपल टाइज भी इससे इम्प्रूव होंगे। साथ के साथ जो ये रोड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा बिटवीन साउथ त्रिपुरा एंड चिट्टागोंग, उसके चलते हम चिट्टागोंग को एज अ पोर्ट ऑफ कॉल यूज कर सकते हैं इन फ्यूचर, ठीक है जी। और इसके साथ जो आपका नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है, जो कि हम कह सकते हैं काफी एलिनेटेड है डेवलपमेंट से, तो वहां पर अब हम इजिली आपकी हैवी मशीनरीज और गुड्स भिजवा सकते हैं वाया बांग्लादेश, ठीक है जी। जो आपका फैनी ब्रिज है इसे हम मैत्री सेतु के नाम से भी जानते हैं चट्टोग्राम में। तो आपकी थोड़ी बहुत डिटेल्स थी फैनी ब्रिज से रिलेटेड। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको डैम आइडेंटिफाई करना है बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। पहले में कह रहा है ये आपका कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम है ऑन नर्मदा रिवर। सेकंड में कह रहा है 1979 में शुरू किया गया था एज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट स्कीम फंडेड बाय वर्ल्ड बैंक टू इंक्रीज इरिगेशन एंड प्रोड्यूस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें लोन लिया गया था $200 मिलियन का। थर्ड में कह रहा है कि ये फाउंडेशन स्टोन इस प्रोजेक्ट का रखा गया था प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा इन 1961। लास्ट स्टेटमेंट ये आपकी जो फोर इंडियन स्टेट्स हैं गुजरात मध्य प्रदेश महाराष्ट्र एंड राजस्थान, वो सब इस डैम के द्वारा वाटर और इलेक्ट्रिसिटी रिसीव करते हैं। आपको बताना है कौन से डैम के बारे में यहाँ बात हो रही है। तो आप वीडियो पॉज कीजिए, उस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर आपकी बात हो रही है सरदार सरोवर डैम के बारे में। आइए कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं सरदार सरोवर डैम से रिलेटेड। तो आपका सेकेंड लार्जेस्ट डैम है इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट यूज, ठीक है जी। इससे पहले आपका आता है ग्रैंड कुली डैम इन यूनाइटेड स्टेट्स, जिसका फाउंडेशन स्टोन है जैसे कि हमने स्टेटमेंट में भी देखा, वो रखा गया था 5 अप्रैल 1961 को हमारे देश के पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू द्वारा, ठीक है जी। और सरदार सरोवर डैम को हम एक तरीके से गुजरात की लाइफलाइन भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके ही चलते वहां की एग्रीकल्चर आउटपुट भी बढ़ी है और जो रेवेन्यू है रीजन का वो भी इंक्रीज हुआ है। हम इसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में देख सकते हैं, आपका 1.2 किलोमीटर लॉन्ग डैम है जो कि 163 मीटर डीप है और इरिगेट करेगा अप्रोक्सीमेटली 18 लाख हेक्टेयर ऑफ लैंड, और जो पानी है नर्मदा का वो फ्लो करेगा इनटू 9000 विलेजेस थ्रू अ कैनाल नेटवर्क। बेसिकली आपके इसमें दो पावर हाउसेज हैं, एक आपका रिवर बेड पावर हाउस है, दूसरा आपका कैनाल हेड पावर हाउस है, जिसमें आपकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 1200 मेगावाट और 250 मेगावाट रिस्पेक्टिवली। इसकी जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके शेयर के बारे में बात करें तो महाराष्ट्र के पास जाएगा आपका 57%, मध्य प्रदेश के पास जाएगा आपका 27% और 16% जाएगा गुजरात के पास। इंटरेस्टिंग फैक्ट इससे रिलेटेड कि 1996 में इस डैम की कंस्ट्रक्शन को थोड़े टाइम के लिए सस्पेंड कर दिया गया था 4 साल के लिए बाय अ स्टे ऑर्डर फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है जी। बट उसके बाद 4 साल बाद शुरू कर दिया गया था विद सम कंडीशंस। ये आपके थोड़े बहुत फैक्ट्स थे सरदार सरोवर डैम से रिलेटेड। आज के हमारे 5 क्वेश्चंस यहीं खत्म होते हैं। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। होमवर्क आज का ये है कि जो आपका कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है वो आपकी कौन सी रिवर पर फोकस्ड है, ठीक है जी। कमेंट सेक्शन में ये मेंशन कीजिए और इसी तरह प्री रिलेटेड क्वेश्चंस को रेगुलरली सॉल्व करते रहा कीजिए। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव अ वेरी गुड डे।